सचिन जी आमचे दिग्दर्शक आहेत, निलेश जी आमचे निर्माते आहेत, आणि हे आमचे कलाकार आहेत, विजय जी आहेत, किशोर जी आहेत, मी गणेश यादव, आणि आमचे महाराष्ट्राचे लाडके सयाजी शिंदे साहेब आहेत. आणि ह्याचं बऱ्यापैकी शूटिंग संपत आलं होतं आणि त्यानिमित्ताने आज आम्ही आमचं बरंचसं शूटिंग नागपुरात झालं होतं. नागपुरात कारणचे निर्माते जे आहेत ते नागपूरचे आहेत, आमचे म्हणजे बरीचशी टीम ही नागपूरची आहे. आणि सिनेमाचं नाव 26 नोव्हेंबर आहे. संविधान या विषयावरती हा सगळा खेळ घासला गेला आहे सिनेमा. तर त्यानिमित्ताने वेगवेगळी कॅरेक्टर्स आहेत. तर तुम्हाला काही बाकी प्रश्न असतील तर मी तुम्हाला एक इंट्रोडक्शन दिलंय, तुम्हाला काय प्रश्न असतील ते बोलावं. मला वाटतं की निलेश जी यांचं आमचं जे निर्माते त्यांचं भाषेवरती खूप छान प्रभुत्व आहे. आणि संविधान आणि 26 नोव्हेंबर या सिनेमाबद्दल तुम्ही थोडक्यात त्यांना सांगावं. सर्वांचे आभार. आज हा जो आपण सिनेमा करतोय, मराठी चित्रपट करतोय, जंबुदी प्रोडक्शन ह्या बॅनरखाली करतोय आणि कलाकार सगळे तुमच्या समोरच आहेत. सिनेमा या सिने इंडस्ट्रीमध्ये असे जे विषय आहेत ते कंटिन्यू यायला पाहिजे, म्हणजे परत परत यायला पाहिजे, कारण की हे जनजागृतीचे विषय असतात. संविधान हा काही माझा एकट्याचा किंवा यांचा किंवा त्यांचा असा एका व्यक्तीचा विषय नाही आहे. संविधान हा या देशात राहणाऱ्या प्रत्येक आणि प्रत्येक नागरिकांचा विषय आहे, मग तो कलाकार असेल किंवा कष्टकरी असेल किंवा कुठलाही व्यक्ती असेल. तर ते संविधानाने जे दिलं आहे ते दिलं भरपूर आहे, परंतु त्याची अंमलबजावणी ही त्या पद्धतीने होत नाही. याचं मूळ कारण असं म्हणजे आम्ही मानतोय की संविधानामध्ये जे लिहिलेले आहेत हक्क आणि अधिकार दिलेले आहेत ते सामान्य माणसाला कळतच नाही, किंवा सामान्य माणसाला ते अगदी सोप्या पद्धतीत कळायला पाहिजे. आणि त्याला जर हक्क आणि अधिकार कळले सोप्या पद्धतीमध्ये, तो जर जागरूक झाला तर तो आपली लढाई करेल ना, तो संघर्ष करेल. हा हेतू ठेवून आम्ही हा सिनेमा करतोय, ज्याचं नाव आहे 26 नोव्हेंबर. आणि लगेचच लवकरच हा सिनेमा प्रत्येक आणि प्रत्येक दर्शकाच्या भेटीला आम्ही आणू असं आमचा प्रयत्न आहे. शूटिंग पूर्णपणे म्हणजे थोडंफार राहिलंय, तर ते आता 1-2 दिवसामध्ये संपेलच. पूर्ण सिनेमा झालाय आणि हा सिनेमा फार जे तुमच्यासमोर बसलेले आहेत ना ते सगळे दिग्गज आहेत, यांनी आपला कस लावून, म्हणजे जेवढा काही कस त्यांच्यामध्ये असेल ना सगळ्या कस लावून हा सिनेमा त्यांनी केलाय. आणि फार मदत सगळ्या लोकांनी केली आहे आम्हाला. फार बरं वाटतंय की संविधानावर मराठी फिल्म आणि इतका मोठा फिल्म आम्ही आणतोय. आणि या फिल्मच्या नंतर प्रत्येक माणसाला, प्रत्येक नागरिकाला देशामध्ये राहणाऱ्या असं वाटेल, किमान असं वाटेल की संविधानाचं एक पुस्तक मार्केटमधून घेऊन विकत घेऊन ते घरी नेलं पाहिजे आणि ते घरी ठेवलं पाहिजे आणि ते वाचलं पाहिजे किमान, किंवा जाणून तरी घ्यायला पाहिजे. एवढा जरी हेतू आमचा सफल झाला ना तरी आम्ही असं आम्हाला असं वाटेल की हे फिल्म करून आम्ही काहीतरी पुण्य कमवलंय. ये फिल्म कब तक दर्शकों के बीच आएगी सर? प्लान तो बहुत जल्दी का है, हो सकता है 15 अगस्त. फिल्म का नाम 26 नवंबर है, तो मोस्टली मुझे लगता है 26 नवंबर का ट्राई करना चाहिए. हाँ, विनती करेंगे. हाँ हाँ, सोचा है, लेकिन अगर जल्दी सारी चीजें हो जाती है तो 15 अगस्त को भी हम रिलीज कर सकते हैं, और नहीं अगर चीजें होती है तो 26 नवंबर, जैसे जिस तरह से नाम है उस तरह से हम रिलीज कर लेंगे. नाम की विशेषता क्या है? 26 नवंबर 26/11 अटैक से रिलेटेड है. विशेषता ये है कि हम 15 अगस्त तो बहुत अच्छे से मनाते हैं, 26 जनवरी बहुत अच्छे से मनाते हैं. क्यों मनाते हैं? क्योंकि उसके बारे में जानकारी है ना, सब मतलब बच्चा बच्चा जानता है कि इस दिन में क्या होता है. 26 नवंबर हे जाणीवपूर्वक नाव यासाठी ठेवलं गेलं, ये नाम जानबूझकर इसलिए रखा गया फिल्म का, क्योंकि 26 नवंबर को संविधान दिन होता है. और अभी मतलब जियारी है कि 26 नवंबर को भी उस तरह से मनाना चाहिए जिस तरह से हम 15 अगस्त को मनाते हैं, 26 जनवरी को मनाते हैं. तो ये संविधान दिन है और संविधान की जो भी विशेषताएं हैं, जो भी संविधान का महत्व है वो हर नागरिक तक पहुंचना चाहिए, इसलिए ये नाम फिल्म का रखा गया है. और उसकी जो कहानी है वो भी उसको कहीं ना कहीं नाम को आगे बढ़ाती है, यानी दिन को आगे बढ़ाती है. 26 नवंबर ये दिन कितना बड़ा है हमारे लिए, ये वो कहानी बताती है. इसके अलावा और कौन कौन से स्टार कास्ट है आपके? यहाँ पे जो बैठे हैं वो है मुश्ताक खान जी है, जो अभी अनिकेत जी है, अनिकेत विश्वासराव जो अभी सीन में होते, जी जवादे हैं जो कि लीड कर रहे हैं, भारत गणेशपुरे जी हैं, विजय पाटकर जी तो बैठे हैं,
तो विलास उजवने जी है, अंजलि उजवने जी है, मतलब जितने भी कलाकार है सब दिग्गज है, सब जानकार है। और जैसे मैंने पहले बताया कि इन्होंने अपना पूरा जितना भी था वो फिल्म के लिए लगा दिया। तो देखते हैं दर्शकों में हम किस तरह से ये मैसेज पहुंचा पाते हैं इनके माध्यम से। सर जी, सर आप क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म का? आप एक अभिन्न हिस्सा है और किस तरह से सचिन हिंदी में बोलू सचिन हा कॉन्सेप्ट घेऊन आला होता ते मला वाटलं चांगली आहे सचिन नंबरची तर इंटरेस्टिंग वाटला सब्जेक्ट आणि मग सगळं प्रोडक्शन आणि या गोष्टी बघितल्यानंतर लक्षात आलं की एक चांगली फिल्म बनू शकेल म्हणून मग ही फिल्म घेतली आणि करायला घेतली आणि शूटिंग संपलं। खूप मजा आली, खूप वेगळी चांगली फिल्म। आपण करतात अच्छी जी फिल्में आप करते हैं हिंदी में भी मराठी में भी, तो ये फिल्म कितना भाई अलग है या किरदार कितना अलग है अगर बारे में थोड़ा? हर फिल्म में हम लोग बोलते हैं किरदार अलग है, पिक्चर अलग है। वो है जब पिक्चर लोगों के सामने जाती है, लोगों को दिल को लगती है ना, तभी फाइनल होती है कि ग्रेट है। तब तो हम लोग सब अच्छे करने के लिए करते हैं ना। सर आप बताइए इस तरह इस फिल्म में किस तरह का आपका किरदार करते हैं? ये प्रोड्यूसर इस फिल्म का हमारा किरदार प्रोड्यूसर का है और हम फिल्म बना रहे हैं और ये सारे दिग्गज कलाकारों के साथ बना रहे हैं। इनका बहुत अच्छा हमें सहकार्य मिला है, बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने अपनी अपनी भूमिकाएं उसमें बनाई है, रखी है। तो ये फिल्म एक अलग तरीके की फिल्म है जो अभी तक ना हिंदी में आई ना मराठी में आई है। सोशल ड्रामा, लेकिन इसका कंसेप्ट जो है वो हर किसी आदमी का अधिकार तो है, लेकिन उनके कर्तव्य क्या है ये भी वो फिल्म बताती है। सिर्फ ऐसा नहीं है हक और अधिकार के लिए लड़ रहे और फिर हमारी जिम्मेदारी क्या है ये नहीं, तो जिम्मेदारी भी वो फिल्म बताती है कि हर इंसान की जिम्मेदारी क्या है उसके हक और अधिकार के साथ में, जिस जिम्मेदारी से उस देश की उस राष्ट्र की सभी चीज़ों के लिए हर किसी के लिए हर इंसान के लिए उसने काम करना चाहिए ये फिल्म बताती है। चयन तो ऐसा है कि उनकी कलाकारी सही रही है। हमारे नजरों में जो अच्छे कलाकार होने चाहिए इस फिल्म में, ये कोशिश हमारी थी और वैसा हमने तकरीबन 2 महीने हम इन सारे लोगों से संपर्क करने के लिए और उनसे बात करने के लिए और भूमिकाएं समझाने के लिए हमने उनके साथ में व्यतीत किए और उन्हें जब भूमिका पसंद आई उसके बाद ही उन्होंने इस फिल्म को स्वीकारा है। तो हम समझते हैं कि इतने अच्छे जानकार लोग जिनकी अभी इतनी सारी इतने सालों से ये इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो हमें भी ऐसा लगा कि हमारी स्टोरी हमारा टाइटल उनको और थीम जो है वो उनको पसंद आई और उसी के बाद उन्होंने अपना किरदार उसमें तय किया हुआ है। आप लोग कुछ कहना चाहेंगे इस फिल्म के लिए? ये हमारे दिग्दर्शक है, फिल्म के डायरेक्टर हैं सचिन वराडा जी, ये कलाकार विजय पाटकर जी है, ये किशोर चौगुली जी कलाकार। अभी ये दादा के साथ मेरी दूसरी फिल्म है और जब ये फिल्म मैं लिख रहा था तो मैंने रियल में समाज में कुछ ऐसी घटनाएं देखी है कि जहाँ पे लोगों को अपने अधिकार नहीं पता है और एक 26 नवंबर एक ऐसी तारीख है कि जिस दिन हजारों साल की जो गुलामी है, जो सामाजिक गुलामी हजारों साल से अपने देश में थी, उस गुलामी को 26 नवंबर को बाबा साहब ने संविधान देश को सुपुर्द करके सबको एक उस बंधन से मुक्त किया है और वो एक जो एक माहौल जो देश में तैयार हुआ कि अभी आज़ादी मिल गई है। तभी तो बोलने का भी हक नहीं होता था, ना बैठने का हक होता था, पानी पीने का हक नहीं था। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अभी भी बहुत जगहों पे मैंने देखी है। हम न्यूज़ में पढ़ते हैं अछूतों को मारा गया, दलितों को मारा गया, तो हमें लगता है कि इसके पीछे भी ये कारण हो सकता है कि आज भी बहुत
समाज ऐसे है जो पढ़ाई से अभी दूर है, अगर वो पढ़े लिखे होते तो ये सारी चीज़ें जान पाते कि हमारे हक क्या है, हमारे अधिकार क्या है। तो मुझे लगा कि जिस तरीके से 26 जनवरी 15 अगस्त ये सारे दिन पूरे देश में मनाए जाते हैं, अगर 26 नवंबर से हम अगर कोई इस नाम से अगर एक फिल्म बनाते हैं तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम जितना लोगों तक पहुंच सके, जितना लोगों को इस बारे में अवेयर कर सके कि ये संविधान किसी एक समाज का, किसी एक जात का, धर्म का नहीं है, ये 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का ये संविधान है और इस देश में सबको समान अधिकार संविधान ने दिए हैं। और जो अभी आज़ादी के बाद से 70-75 सालों में जो अपन दुपड़ी देख रहे हैं कि संविधान ने जब समान अधिकार सबको दिए हैं तो अभी गरीब गरीब रह चुका है और कुछ लोग इतने बड़े हो चुके हैं कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के आसपास हम देखते हैं कि आज भी झुग्गी झोपड़ियाँ है। तो जब समान हिस्से की भागीदारी जब हमारी देश में है, ये देश के पूरे संसाधनों पे अगर सभी नागरिकों का समान अधिकार है तो फिर ये हमारा हिस्सा जाता कहाँ है, जो हमें अलॉटमेंट हुआ है वो हिस्सा जाता कहाँ है। बहुत सी जगहों पे अज्ञान है, अनएजुकेशन है कि जो लोग समझ नहीं पाते, एक डर होता है कि लोग कहीं बोल नहीं पाते, उनके लिए कोई तैयार नहीं होता। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि 26 नवंबर ये आपके हक का, आपके अधिकारों का दिन है और यही दिन और यही संविधान आपको अपने अधिकार दिला सकता है, ये सोच के हमने ये फिल्म लिखी है। और हमारे प्रोड्यूसर श्री अनिल जी जवादे सर ने इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी और फिर सभी लोगों से एक एक करके मुलाकात हुई है। सबसे पहले तो मैंने दादा से बात की, 2 साल से हमारी बात चल रही थी कि दादा ऐसी फिल्में करनी है। फिर किशोर जी से भी बात हुई और एक सभी मंझे हुए कलाकारों के साथ में काम करने का जो एक एक्सपीरियंस है बहुत अच्छा रहा और एक सुंदर फिल्म बनी है। सबने बहुत अच्छा काम किया है और बहुत ही जल्द ये हम दर्शकों के लिए पेश करें। जैसे कि 26 नवंबर बाबा साहेबांनी संविधान हे याच्यामध्ये ठेवले, बाबा साहेबांच्या कॅरेक्टरवर कॅरेक्टर करतात नाही, मग जेन्युइनली कसं होतं की मग जर आम्ही त्यामध्ये बाबासाहेबांच्या विचारांचा आधार घेतलेला आहे बाबासाहेबांचे जे विचार आहेत ते सर्वसमावेशक आहेत। आणि मग कसं कधी कधी पर्टिक्युलर असं होऊन जातं की आपण एखादी भूमिका त्या पद्धतीची जर उभी केली तर कुठेतरी एक पर्टिक्युलर एका वेळेला ती फिल्म निघून जाते की स्पेशलायझेशन होऊन जाते की एक विशिष्ट कास्टसाठी किंवा हे तेच दाखवण्यासाठी केले गेले आहेत। तर आम्हाला ही फिल्म सर्व भारतीयांसाठी बनवायची होती म्हणून आम्ही संविधान सगळ्या देशाचं आहे त्यामुळे आम्ही तो एक मेन मुद्दा घेतलेला आहे, संविधान सगळ्यांच्या घराघरात पोहोचावं आणि संविधानाची जाण प्रत्येकाला असावी, किमान एक पुस्तक म्हणून का होईना तो सर्वांनी वाचावं आणि सर्वांना सर्वांचे हक्क माहीत व्हावे हा या मागचा एक सामाजिक हेतू आमचा। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, आपको इस फिल्म का हिस्सा है, आपको अलग अलग रेंज में रोल हमने देखा है, आपकी कॉमेडीज भी देखी है, सीरियस कैरेक्टर भी आप अच्छे से निभाते हैं, इस फिल्म से जुड़कर क्या अनुभव प्राप्त हुआ और किस तरह का किरदार है आपका, क्या सीरियस है, कैसा है, अगर बता सके आप। मेरा किरदार का नाम है नागर, जो संगठन का अध्यक्ष है, लीडर है, जो भूला भटका हुआ है। हम चारों जो बैठे हुए हैं वो विलन है, मतलब गलत कैरेक्टर जो समाज में दिखते नहीं, कुछ ऐसी चीज़ें करते उसे कर्तृत्व की वजह से वो विलन बन जाते, तो वैसे हम लोग विलन है। और हम जो भूले भटके उसको सीधे राह पे लाने की कोशिश, ये हमारा हीरो कर रहा है। मतलब एक साथ हम लोग एक सीन में है जहाँ हम संविधान के खिलाफ कुछ कर रहे हैं। मतलब संविधान तो बोलते हैं संविधान को फॉलो करना चाहिए, संविधान फॉलो करना चाहिए, लेकिन हम संविधान फॉलो नहीं कर रहे। समाज में ऐसे बहुत से लोग, ऐसे लोगों को रास्ते में लाने की ये जो काम है ये हमारा हीरो कर रहा है। तो छोटा सा किरदार है लेकिन बहुत अच्छे किरदार है। बेसिकली छोटा किरदार हो, छोटी फिल्म हो, बड़ी फिल्म हो, वो नहीं है, एक संविधान 26 नवंबर संविधान के ऊपर जो फिल्म है अपने आप ये बहुत बड़ी पिक्चर है।
ऐसे में सचिन जी ने कहा कि बहुत सी चीजें संविधान संविधान सब बोलते हैं लेकिन कुछ चीजें मालूम नहीं है, कुछ चीजें लोगों को मतलब समाज में ये मालूम हो जाए संविधान के बारे में, ये हमारा ये कोशिश है हमारी। और ऐसे हमने छोटे लेकिन अच्छा कैरेक्टर मैंने इसमें प्ले किया, अलग अलग कैरेक्टर मेरा। मी काय म्हणू आता सगळ्यांनी सगळं सांगितलेलं आहे विषयाबद्दल, मी थोडंसं प्रोडक्शनबद्दल किंवा याच्याबद्दल म्हणेन, कारण विषय तर हा म्हणजे पूर्ण देशाचीच म्हणजे बात करतो किंवा बोलतो, देशाबद्दल बोलतो, देशातल्या लोकांबद्दल बोलतो, आणि त्याचा कंटेंट तर इतका कंटेंट आहे की ते जवळजवळ आमची स्क्रिप्ट म्हणजे असं बाळ आहे, मग त्याच्यामध्ये 3 सिनेमे होतील एवढं ते मोठं स्क्रिप्ट आहे, त्याच्यातून आता ते एडिट बिडिट घेऊन तो आता इतका वेगवान आणि गतिमान सिनेमा तयार होणार आहे त्यात कल्पनाच केलेली बरी। मला कुठल्याच अँगलने मी जेव्हा आलो इथे तेव्हा मला माझं कॅरेक्टर ॲक्च्युली आमचा सिनेमा जी गोष्ट दाखवण्यासाठी धडपडतोय किंवा ज्या गोष्टीच्या मागे म्हणजे संविधानाच्या आणि त्याच्या हक्कांच्या न्याय हक्कांच्या आणि गरिबांना त्याचं कसं हे मिळावं याच्यासाठी बोलतो, पण अगदी त्याच्या विरोधात आमची कॅरेक्टर्स आहेत, आम्ही सगळे विलन आहोत। मी त्याच्यामध्ये नगरसेवकाचं एक कॅरेक्टर करतो आणि वस्तीतल्या लोकांना मी कसा त्यांची पिळवणूक करतो असं माझं कॅरेक्टर आहे। तर मुद्दा असा आहे की मला कुठलेच अँगल नाही, आमच्या प्रोड्युसर साहेबांचा हा पहिला सिनेमा आहे असं वाटलं नाही काम करताना, कारण त्यांनी कुठलीच गोष्ट ही करू नका किंवा ते काय हे नाही होणार ते नाही असं नाही, एकदम सरळ हस्ते त्यांनी या सिनेमाच्या मागे ते उभे राहिलेले आहेत, म्हणजे अगदी प्रोफेशनली बी आम्ही कुठे कुठे कामं करतो, खूप मोठे मोठे ज्यांनी 5-5, 6-6 सिनेमे 10-10 सिनेमे केले आहेत अशा लोकांच्या प्रोडक्शन व्हॅल्यूजमध्ये पण कमतरता काहीतरी असते, काहीतरी कुठेतरी उणंधुणं असतं, पण अनिल साहेबांच्या या प्रोडक्शनच्या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये कुठेच असं जाणवलं नाही। 2-2 कॅमेरे असायचे, आता पण आम्ही इतके बाहेर इतकं गरम होतोय पण तिकडे आतमध्ये फ्लोअर एसी आहे पूर्ण कोर्टचा, कोर्ट इतकी कोर्ट्स बघितले यांनी सरांनी आमच्या डिरेक्टर साहेबांनी की तिकडे फक्त गर्मीमुळे कलाकारांना त्रास होईल म्हणून हे असं कोर्ट त्यांनी आमच्यासाठी प्रोव्हाइड केलं, आणि अशा असंख्य गोष्टी आहेत खाण्यापिण्यापासून राहण्यापासून सगळ्या गोष्टी। आम्ही नागपूरला राहत होतो तिथे आमची चांगली बर्दास्त ठेवली गेली, आणि बाकी हे सगळे कलाकार सिनियर कलाकार आहेत त्यांच्याबरोबर आत्तापर्यंत काम करत आलो, आणि त्यांचं ते एक म्हणजे बरोबर असणं म्हणजेच काहीतरी शिकण्यासारखं आहे, सारखं ते काही ना काही सांगत असतात त्यातून शिकत असतो, आणि मला असं वाटतं की या सिनेमामध्ये ही सगळी जी भट्टी जमून आलेली आहे ती मला वाटतं काहीतरी कमाल करेल असं वाटतं। थँक्यू सर, कॉंग्रॅच्युलेशन। मुलगा आहे आणि तो एक PWD ऑफिसर आहे आणि भारतीय संविधानामध्ये त्याचा खूप विश्वास आहे आणि न्यायव्यवस्थेवर त्याचा खूप विश्वास आहे, खूप तत्व पाळणारा माणूस आहे तो, प्रामाणिकपणे काम करणारा माणूस आहे आणि आपण समाजाला काहीतरी देणं लागतो हे तो प्रकर्षाने मानतो आणि त्याप्रमाणे वागण्याचा प्रयत्न करतो, माणुसकी जपण्याचा प्रयत्न करतो, प्रत्येक माणसाला जात धर्म यापेक्षा तो एक माणूस म्हणून कसा त्याला जपता येईल याच्याकडे त्याचा कल असतो आणि त्याला या समाजामध्ये जे म्हणजे लहान मुलं काम करत असतात किंवा त्यांना पर्याय नसल्यामुळे भीक मागावी लागते किंवा त्यांना आई वडीलच भीक मागायला भाग पाडत असतात की लहानपणापासूनच घराला एक पैशाची मदत होईल असं, हे सगळं त्याला ज्या समाजामध्ये ज्या चाललेले आहेत वर्षानुवर्ष रूढी परंपरा किंवा समाज व्यवस्था जी आहे त्याच्याबद्दल त्याला चीड आहे आणि ती कशी बदलू शकेल याच्याकडे त्याचा कल आहे आणि एक असं छोटस झोपडपट्टी आहे या चित्रपटामध्ये, तिथल्या लोकांची कशी तो मदत करतो आणि त्यांना कसं जागरूक करतो तो आणि त्यांना कसं जगण्याचं महत्व दाखवून देतो अशी साधारण ही भूमिका आहे। मैं सर एक्चुअली इसमें इनके फादर का रोल कर रहा हूँ, तो
मुझे जब सचिन ओराडे जो डायरेक्टर है इस फिल्म के, जब उनका मुझे कॉल आया, उनके साथ पहले भी मैं काम कर चुका हूँ, तो इन्होंने कहा यार एक मराठी फिल्म है। मैंने कहा यार अगर तुम डायरेक्ट कर रहे हो तो कोई भी लैंग्वेज चलेगी, और मैं मराठी से वैसे भी काफ़ी क्लोज रहा हूँ और मुझे लैंग्वेज करने का बहुत अच्छा लगता है, और ख़ास करके मराठी डेफिनेटली, क्योंकि मैं काफ़ी सालों से यहाँ पर हूँ। तो मैं अनिकेत के फादर का रोल कर रहा हूँ, बाकी इन्होंने पूरी कहानी तो बता दी है, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैं एक बहुत अच्छी यूनिट में काम कर रहा हूँ, एक अच्छे सब्जेक्ट पे काम कर रहा हूँ, 26 नवंबर ये फिल्म का नाम है, और एक बहुत रियल उसमें जो ये फिल्म बन रही है, और बहुत अच्छे अच्छे कलाकार इसमें हैं, इस फिल्म में जूही भी है, जो मराठी इज माय ओन लैंग्वेज बट स्टिल आई हैड सम प्रॉब्लम्स, आणि हा चित्रपट माझ्यासाठी असं वाटतंय की खूप बेस आहे, माझा एक्सपीरियंस खूप छान होता। द कॅरेक्टर इज ती बाहेर ना आलेली आहे, तिला मार्शल आर्ट्स येतं, शी इज अ गुड फायटर अँड शी इज अ जर्नलिस्ट आणि शी लव्स जस्टिस, आणि वेन आय फाईंड माय पार्टनर इन द मूवी ही इज ऑल्सो जस्ट द सेम वाईफ, तर आमचं असं असतं की त्याचं जे विचार आणि माझे जे विचार आहेत ते मिळतात, आणि जसं ते दिसतं ना त्यांना चेंज करायचं जे तीव्र असतं ना ते माझ्यामध्ये असतं त्या कॅरेक्टरमध्ये, आणि ती पूर्ण प्रयत्न करते की त्याचे उघड झालं पाहिजे जे इनजस्टिस होत आहे त्याचं। लास्टली जे सगळे कॅरेक्टर्स आहेत ते आर व्हेरी ग्राउंडेड, दे आर व्हेरी डाऊन टू अर्थ, तशीच ती मूवी आहे, आणि संविधान म्हणजे हा काही विषय सांगण्यासारखा नाही आहे, हा ऑलरेडी सगळ्यांना माहिती आहे, फक्त एवढं आहे की त्यांना नॉलेज नाही आहे याबद्दल की त्यांचे काय स्वतःचे लॉज आहे, राईट्स आहेत, तर त्याचं जे प्रकाश पाडला आहे आम्ही की तुम्हाला माहिती असलं पाहिजे व्हॉट आर युअर लॉज, त्याच्यावर पण आम्ही छान भार दिलेला आहे, आणि हा कॅरेक्टर मला खूप आवडला। नहीं, वेलकम थ्री तो मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन गदर टू के बाद अनिल शर्मा की फिल्म जर्नी, जर्नी की पूरी जर्नी हो गई है, कंप्लीट हो गई है फिल्म रिव्यू, वो किया है, और उसके बाद फिर एक फिल्म मेरी देखेंगे आप हिस्ट्री टू तो जल्दी रिलीज हो जाएगी, और एक वेब सीरीज बहुत अच्छी जो मैंने की है दहेज की नौकरी, वो भी कंप्लीट है ऑलमोस्ट, और बहुत सारी लाइनअप है फिल्म में। अभी तो फिलहाल मेरे दो थिएटर कर रहा हूँ मैं, दो प्लेज हैं मेरे, अ परफेक्ट मर्डर और गोल्ड मंटर टक्का दिला, और ये फिल्म आ रही है, और एक कर्मवीर आभा साहब करके एक फिल्म है वो आ रही है, और पोस्टर बॉयज टू लाइंड अप है, और प्रेम नाम की एक फिल्म है वो भी लाइंड अप है, इसकी अगस्त में शायद से शूटिंग शुरू होगी, फिलहाल तो इतना ही कह सकता हूँ। थैंक यू।